ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਨੀ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਨੀ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ चूड़े तुहाडे तों मंग के खांदे आ मैनू दसो तां सही किदां असीं तुहाडे घर मंगण गए आ तुसीं चूड़ा किहनूं कह रहे हो सर मैं शेड्यूल कास्ट हां ओह कुड़ी भी शेड्यूल कास्ट है सर मेरी गल सुनो कोई चाचा नहीं है इत्थे चाचे मर गए ने करो सर तुसी मैं वाल्मीकि हां जी फिर रिश्तेदार है सर तुसी ओनू कहो तुसी साडे सामने सर जाति सूचक शब्द बोल रहे हो सर तुसी है नहीं ना तुसी है नहीं ना अगर तुसी हुंदे तां तुसी चूड़े दी सट ना कहिंदे बड़े हो कोई गल नहीं सर असीं होणी आ नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय भीम जय संविधान तुसी देख रहे जे जी समाजिक हलचल चैनल ते मैं हाँ तुहाडा दोस्त बलविंदर सिंह शेरगिल कौमी एकता संघर्ष दल चेयरमैन पंजाब बड़ी दुख की गल है कि एक वीडियो सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हो रही है जिदे विच एक धनाड वीर वालों जां इवें कह सकते हैं कि जिहड़े कुछ को कड़म चौधरियां दे विचों जिहड़ा वीर उस अफसरशाही दी कुर्सी दे उत्ते बैठा आ वो बार बार एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है और जिदे विच एक फिर शड्यूल कास्ट ऐसी भाईचारे का जिहड़ा वीर मैं तो उन्हूं योधा ही भरा कहूँगा कि उस वीर ने सूरमियां वाला योधियां वाला काम किया ताकि उस कड़म चौधरी दियां अखां विच अखां पा के जिहड़ी गल कही आ कि तुसी जाति सूचक जिहड़ा शब्द वरत रहे जे बार बार बेशक तुहाडे उहनां विच रिश्तेदार भी होणगे पर कम से कम तुसी उहनां नूं कहो मैनू जां होरनां नूं सुणा के ना कहो क्योंकि इस दफ्तर दे विच एक लेडीज़ भी जिहड़ी आ उह भी शड्यूल कास्ट आ और मैं भी शड्यूल कास्ट हाँ बड़ी दुख की गल है दिल नहीं करता वीर जी मेरे वीरो मेरे भराओ दिल नहीं करता कि जात पात का ऊंच नीच का अमीरी गरीबी वाला जिहड़ा पाड़ा आ वधे पर हुण तुसीं दसो फैसला भराओ तुहाडे हाथ विच आ जे असीं कुछ को कड़म चौधरियां का नाम लैने आ फिर भी तुसीं गुस्सा करदे जे आपां अपनी कौम की गल करदे आ फिर भी तुहानूं गुस्सा लगदा आ जे असीं अपने हकां की गल करदे आ फिर भी तुहानूं गुस्सा लगदा आ जे असीं अपने हक सरकारां कोलों मंगदे आ फिर भी तुहानूं गुस्सा लगदा आ कि मेरे वीरो फिर इन्ना दस दिओ असीं उह काम करिए जिदे विच तुहानू गुस्सा ना लगे तुहानू कोई इतराज ना होवे तुसीं दस दिओ असीं की करिए क्योंकि कोई समा सी जदों जिहड़े गरीब लोग आ उह तुहाडे सामने बोलदे नहीं सी ते अफसोस जिथे असीं गुरुआं पीरां दा दसां पातशाहियां दा अपने मन दे नाल तह दिलों ते ऐस मस्तक नूं उन्हां दे चरणां विच टिकाउने आ ते उन्हां दी शरदा भावना रख के दसां पातशाहियां नूं ते दसवीं तों लै के ग्यारहवें गुरु ग्रंथ साहिब जी उन्हां नूं असीं गुरु मानदे हाँ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਭਰਾਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੀਰੋ ਜੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਨੀਚ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੋਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੋਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਦੇ ਵੀ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਿਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਚਾਹੇ MLA ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਣ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀਰੋ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ।
मैं नहीं कहता कि उन्हें तुसी कोई सजा दवाओ जी, उन्हें तुसी जेल कराओ जी, ये वो नहीं। मैं समझना कि वीरो जी वाकया ही सिक्की दे वेच कोई जात पात ऊंच नीच नहीं हैगी। ते आओ फिर सारे भरा मेरे वीर इकट्ठे होवो, इहो जे जिहड़े शरारती लोग ने उन्हां नूं तुसी आप समझाओ। जदों वीरो तुसी समझाउंदे नहीं इहो जे लोकां नूं, फिर माफ करना, फिर डॉक्टर गुरिंदर वर्गे, फिर चौधरी कृष्ण लाल वर्गे जां होर जिहड़े समाज सेवी है फिर पैदा हुंदे आ। ते जदों इन्हां समाज सेवियां नूं पैदा करन दे विच सब तों वड्डा हत्थ तुहाडे ही लोकां दा है, क्योंकि तुसी लोक बोलदे नहीं। फिर जदों गरीब लोकां नूं कोई लताड़दा आ, गरीब लोकां दे उपर जदों अत्याचार हुंदा आ जां गरीब लोकां दे नाल कुटमार हुंदी आ, उदों तुसी लोक जदों बोलदे नहीं, उदों फिर जिहड़े फिर लोक समाज सेवी नां लै के तुहाडे सामने आउंदे आ जां बोलदे आ, फिर वह पैदा होंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि बोलन वाले लोग माड़े होंगे, क्योंकि किसी ना किसी ने शुरुआत तो करनी ही, वो शुरुआत हो चुकी है मेरे वीरो। जे ती समा रेंदे इन्हां लोगों नू ना रोकया, जेड़े कुछ कुछ शरारती अंसर लोग ने जाति सूचक शब्द वरतदे आ, गरीबां दे मकान ढाउंदे आ, गरीबां दीआं गलियां वाहुंदे आ, गरीबां दे नाल अत्याचार करदे आ, शड्यूल कास्ट जां एससी भाईचारे दे उत्ते जिहड़ा मतलब अत्याचार करदे आ, जे इन्हां लोकां नूं तुसीं समां रहिंदे आ ना वरजिआ, ते वीरो मैं ते जाणदा आ तुसीं वी जाणदे जो समां दूर नहीं, कि आउण वाले समें दे विच इन्हां लोकां दा बहुत ही वड्डे पद्धर ते संगठन जड़ा है ना वो एक हो जाना है। ते वीरो मैं चाहना हाँ कि संगठन एक तो जरूर होवे, पर उहदे विच भाईचारा कायम रहे, ते भाईचारा रहना भी चाहिए है। ते आओ भराओ सारे हंबला मारीए, जिथे भी किसी गरीब दे नाल कोई अत्याचार हुंदा आ तुसीं जरूर बौड़िया करो, उहदी खैर पुछिया करो, क्योंकि जाति सूचक शब्द जिहड़ा आ अज तक ना किसी चमार भाईचारे चो मजहबी सिख रंगरेटे भाईचारे चो जां ऐसी भाईचारे चो जिहड़े भी गरीब लोग ने कदी भी तनाड लोगों नूं जाति सूचक शब्द अज तक वरत्या नहीं। जे किसी ने वरत्या तो फिर जरूर भराओ उहदी भी वीडियो मैनू दिखा दिओ, कम से कम मैनू उम्मीद आ कि अज तक किसी ने वरत्या नहीं, तो ना कभी किसी के धर्म दुते असी टीका टिप्पणी की, ना किसी की रहत मर्यादा उत्ते असी टीका टिप्पणी की। हुण साढ़े वाल्मीकि भाईचारा आ, देखो उन्हां दे जिन्ने प्रधान साहबान ने कभी उन्होंने किसी के उपर टीका टिप्पणी नहीं की। इस करके चाहे वाल्मीकि भाईचारा आ, साडे चमार भाईचारा आ, मजहबी सिख रंगरेटा भाईचारा आ, साडे जिन्ने ही ऐसी समाज के जिहड़े लोग ने, मेरा कहने का भाव है कि अज तक असी कदी किसी नू माड़ा नहीं बोलिया, किसी के धर्म के उपर टीका टिप्पणी नहीं की। पर भाओ मैं जिहड़े कुछ अखौती स्वर्ण बने ने अपने आप दे विच अखौती जरनल वर्ग च जिहड़े आउंदे ने सूद्र भाईचारा, उन्हां नूं भी बेनती आ कि तुसीं साडे भरा जे, पर भरा होण दे नाते हथ जोड़ के बेनती आ कि तुसीं उन्हां लोकां नूं आप नत्थ पाओ, तां कि आउण वाले समें दे विच जिहड़ा साडा भाईचारा आ उह खराब ना होवे। ते बाबा साहब दी बड़ी देण आ जी, जिथे गुरुआं दी दसां पातशाहियां दी 11वें गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुआं पीरां दी धरती पंजाब है, ते उत्थे असीं कोटानुकोट प्रणाम धन्नवाद
बाबा साहब भीम राव अंबेडकर साहब का करते हैं कि जिन्होंने अपना सरबंस वार के तन मन धन दे नाल जे सानू अज गरीबां नू हक लै के दिते आ ते ये बाबा साहब का कसूर नहीं है जी, कसूर साडा ही है, कसूर साडा आ, क्योंकि सानू हक हकूक मिलने के बावजूद भी असी जिहड़े हक सी अपने झोली च नहीं पवा सके ते अज असी मंगतियां वांग तुरे फिरदे आ। ते मैं ऐसी भाईचारे नू भी बेनती करदा आ कि भराओ जिन्ना चिर तुसी सोच समझ दे नाल अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपनी बुद्धि नू कायम नहीं रखोगे, उन्ना चिर जिहड़े तशद्दुद आ तुहाडे ते हुंदे रहने आ ते हुंदे ही रहणगे। हाँ कोई समा ऐसा आ जावे कि जिहड़े कुछ कु भड़म चौधरी नहीं हट रहे उन्हां दे भाईचारे दे विचों जे उन्हां नू कोई नत्थ पा दे वो लोग हट जाण फिर हो सकदा ठल पै जावे। बाकी आपां चाहुंदे आ कि बाबा साहब भीम राव अंबेदकर साहब ने जो सानू संविधान दे विच हक हकूक दिता आ उन्हां हक्कां दी पूरी पूरी आपां हक हकूक जिहड़े ने उन्हां दा इस्तेमाल भी करिए। ते आउण वाले समें दे विच असी सीरी सेपी बंद करो, पातशाही दा प्रबंध करो ताँ कि बाबा साहब दा सुपना असी पूरा कर सकीए। मेरे भराओ अपनी वोट दा अपने हक्कां हकूकां दा सही ढंग नाल इस्तेमाल करो। ज़्यादा ना कहिंदा होया तुहाडा दोस्त तुहाडा वीर बलविंदर सिंह शेरगिल, तुहाडे सारयां तों वाद घाट हो गई होवे मैं माफ़ी चाहुंदा हाँ। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।